नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौआ पक्षी के पंख के तांत्रिक फायदे के बारे में। मित्रों, कौआ के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा और आपने कौआ को देखा भी होगा। कौआ को कई लोग जो है अशुभ मानते हैं और कई लोग शुभ मानते हैं, लेकिन दोस्तों यदि देखा जाए तो कौआ अशुभ पक्षी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे मन का वहम है, क्योंकि दोस्तों कौआ एक बहुत ही अद्भुत पक्षी है। कौआ शनि देव का वाहन होता है, शनि देव न्याय के देवता होते हैं। यदि कोई भी मनुष्य अन्याय करता है या असत्य कार्य करता है तो उसको दंडित करते हैं शनि देव, और शनि देव का वाहन है कौआ। तो दोस्तों इसलिए जो है कौआ पक्षी जो है बहुत ही अच्छा और पवित्र होता है। वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो कौआ को लेकर के तांत्रिक ग्रंथों में बहुत सारी व्याख्या की गई है और इसके कई तांत्रिक प्रयोग बताए गए हैं, लेकिन दोस्तों मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में कौआ पक्षी के पंख के द्वारा अचानक पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का उपाय बताऊंगा और आपको अचानक से आपकी पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि पैतृक संपत्ति क्या होता है। दोस्तों या तो आपके पूर्वजों द्वारा या आपके बाप दादाओं द्वारा कहीं संपत्ति दबा दी गई है, वो आपको अचानक से मिल जाएगा, या फिर आपको जो है कहीं से भी अचानक से रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, या फिर दोस्तों आपको कहीं पर भी अचानक से धन जो है धन की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों साथ ही साथ यदि आप इसको कहीं खोजने की दृष्टि से, खजाना ढूंढने की दृष्टि से जाएंगे किसी खंडर या पुराण जगहों में, तो वहां पर भी आपको खजाने की प्राप्ति हो सकती है। और वह उपाय कौन सा है, कैसे करना है, इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा। तो दोस्तों कौआ पक्षी को लेकर के बहुत सारे लोगों के अपने अपनी राय हैं और दोस्तों कोई ना कोई मतभेद है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौआ पक्षी के पंख के तांत्रिक प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको जो है नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाना है और आपको अचानक से धन की प्राप्ति करनी है, अचानक से आपको धन मिल जाए जिससे आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाए, तो उसके लिए आपको एक सरल प्रयोग बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है दोस्तों। प्रयोग दोस्तों इस प्रकार है, ये तांत्रिक प्रयोग बहुत अद्भुत है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि कौआ का, जी हाँ दोस्तों कौआ का पंख लेना है। कितने, दो पंख लेने हैं कौआ के, अगर दो नहीं मिलते एक मिल जाए बहुत है, ठीक है। तो आपको दो पंख लेने हैं और 21 काले उड़द के दाने लेने हैं। कितने, काला उड़द के 21 दाने लेने हैं। इसको काले कपड़े में इन दोनों को बांध करके आपको क्या करना है, आपको अपने छत वाली जगह पर, जी हाँ दोस्तों जो आपका छत वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ पर इसको आराम से चुपचाप जो है बांध दीजिए और वहाँ पर किसी की दृष्टि ना पड़े ऐसी जगह आपको बांधना है। ऐसा करने से दोस्तों आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी, अचानक से खजाने की प्राप्ति होगी, और आपने किसी को, यदि आपने किसी को कर्जा दे रखा है तो आपको जो है वो कर्जा आपका वापस मिल जाएगा, यानी आपने जिसको पैसा दिया था उधार वो पैसा भी आपको समय से मिल जाएगा। और दोस्तों आपके काम काज से भी पैसा अच्छा आएगा और आपकी कमाई भी दुगनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप जो है तरक्की चौगनी करते जाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों आपको अचानक से पैतृक धन की प्राप्ति हो जाएगी, और दोस्तों इससे आपका जीवन खुशहाल चलेगा और आपके घर में किसी भी प्रकार की बाधा, संकट, ऊपरी हवाएं नहीं आएंगी। और दोस्तों इससे सबसे बड़ा लाभ होगा कि आपको खजाने की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रहस्यमय तांत्रिक जानकारियाँ पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए जो कि एकदम फ्री है, और इसको शेयर भी करिए दूसरों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।